हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना यूको बैंक का पासबुक देखना चाहते हैं घर बैठे, या उसका मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो घर बैठे ही अपने मोबाइल से पासबुक देख सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको एक साल का भी बैंक स्टेटमेंट निकालना है तो उसे भी आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल से सारा काम कर सकते हैं। अगर आपका यूको बैंक में अकाउंट है तो आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट में जो आपका पासबुक है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो नंबर आपके पास होना चाहिए तो ही ये काम घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से अपने मोबाइल से आप पासबुक देख सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है एम पासबुक। यहाँ पर देखिए यूको एम पासबुक टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो आपका पासबुक का जो खाता नंबर है अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, नीचे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देंगे। अब जो अकाउंट में जो नाम है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर नाम सही है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। OTP को यहाँ पर डाल देंगे। OTP अगर एक बार में नहीं जाएगा तो आप रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो OTP दोबारा जाएगा। तो चलिए OTP यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए पिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा, तो 4 डिजिट का यहाँ पर एम पिन बना लेना है। उसे कंफर्म भी कर लेना है, दोनों पिन सेम होना चाहिए, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो पिन बनाए थे 4 डिजिट का उसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो एम पासबुक यहाँ पर दिखाई देगा, नाम किस नाम से यहाँ पर देखेंगे, बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पर सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पासबुक पे क्लिक करेंगे तो पासबुक आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID, माइक्रो कोड, ये सारा चीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आपको अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, नीचे ईमेल ID नहीं दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ, या आप कस्टम में जाकर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना डेट से कितना तक निकालना है। तो चलिए कस्टम पे क्लिक करते हैं और डेट सिलेक्ट करेंगे, हमको किस डेट से किस डेट तक का निकालना है। उसके बाद यहाँ पर हम फाइल सिलेक्ट करेंगे कि हमको PDF फाइल में निकालना है या एक्सेल में। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपका ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आप अपने ब्रांच में जाके संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे तो आपको उस ईमेल आईडी में स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी में कोई भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, जो आपका ईमेल आईडी होगा
उसे यहाँ पर टाइप करेंगे, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का वो आपके ईमेल आईडी में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको ईमेल आईडी में प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको फिर से मैसेज प्राप्त होगा कि आपका स्टेटमेंट आपका ईमेल आईडी में भेज दिया गया है। यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए उसके बाद ईमेल आईडी जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट में आपको दिखाई देगा आपका स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए यूको बैंक लिखा हुआ है, यूको बैंक तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट प्राप्त हो चुका है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल में दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा पीडीएफ फाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना क्रेडिट, कितना डिपॉजिट, ये सभी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। चलिए और कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस ऐप के बारे में। अगर आप अपना एम पिन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज एम पिन पर क्लिक करेंगे और ओल्ड एम पिन डालेंगे और नया एम पिन बना लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप नया एम पिन बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।